लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो बहाना
बेटे का भविष्य? जीवों पे माया डालने वाले, पालने में झूले जग पालने वाले, अपनी हानि टाल ना सकेंगे, सबकी विपदा टालने वाले, वानर दल से सहयोग लेंगे, सारी सृष्टि संभालने वाले। आज के शुभ दिन और नहीं कुछ, आज के शुभ दिन और नहीं कुछ, इससे अधिक बताना है। खेल तो बहाना है, ओ रानी माँ, खेल तो बहाना बहुत बढ़िया मदारी, बहुत बढ़िया। तुम बहुत अद्भुत हो, और तुम्हारा यह छोटा सा वानर भी। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अनोखी है। महाराज, यह सब तो आप लोगों की कृपा है। आप जैसे गुणी लोगों की प्रशंसा पाकर हमारा मन खिल उठा है महाराज। मदारी, तुमको हमारे रघुवंश और सूर्यवंश का इतना परिचय कहां से मिला? महारानी जी, आपके महान वंश का नाम तो दूर दूर तक फैला हुआ है। आपके रघुवंश को कौन नहीं जानता? परंतु जितना तुम जानते हो मदारी, इतना तो कोई भी नहीं जानता। महाराज, आप इन्हें साधारण मदारी ना समझिए, ये अपने डमरू से सारे संसार को नचाते हैं। परंतु इस संसार में मैं भी तो हूँ मदारी। ये तुम्हारा वानर कोई साधारण वानर नहीं है, ये मनुष्यों की भाषा कितनी चतुराई से बोलता है। महाराज, इसे वानर नहीं देव वानर कहिए, देव वानर। देव होते हुए भी इसने वानर कुल में जन्म लिया है। ये तो सचमुच असाधारण है। खेलने चलो के हनुमान। कहाँ? यही हमारे महल के उद्यान में। जी अच्छा, चलो। हाँ, ये सचमुच चमत्कारी है। मदारी, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। महाराज, नाम का क्या है, इस सेवक को कुछ भी कहकर पुकार सकते हैं। वैसे सारा संसार मुझे शंकर कहकर पुकारता है। लो मदारी, जलपान कर लो। और अपने इस छोटे से देव वानर को भी करवाओ। अरे, कहाँ गया तुम्हारा ये देव वानर? अभी तो यही था। महाराज, मेरा देव वानर बहुत ही चंचल है, एक जगह टिककर बैठ ही नहीं सकता, पर जाएगा कहाँ, होगा यही कहीं। परंतु ये राम, राम भी दिखाई नहीं देता। राम बेटा, राम। महाराज, लगता है आपके श्री राम राजकुमार को हमारे देव वानर से लगाव हो गया है। यहाँ तो नहीं है राजकुमार श्रीराम। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए होंगे? हाँ, गई गई। हनुमान, आओ वहाँ चलते हैं। चलिए श्रीराम। हनुमान, हमारा उद्यान कैसा लगा? अच्छा लगा, और आप भी बहुत अच्छे लगे श्री राम। तुम्हारे साथ कितना आनंद आ रहा है। मुझे इस दिन की अतुलता से प्रतीक्षा थी श्री राम। और हम भी तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान। हम तो ये चाहते हैं कि तुम सदा हमारे साथ रहो। मेरे जन्म और जीवन की सार्थकता तो आपकी भक्ति में ही है प्रभु। अर्क समृद्धाय सूर्याय नमः स्वाहा। असमृद्धाय सूर्याय नमः स्वाहा।
श्री वैश्वानराय नमः स्वाहा। श्री वैश्वानराय नमः स्वाहा। ओम। लंकेश्वर दशानन रावण स्वयं आपके आश्रम में आया है पिताश्री, उसका प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव राम, सदा सुखी रहो। आपका आशीर्वाद ब्रह्मा के वरदान से बड़ा तो नहीं पिताश्री? ब्रह्मा से वरदान प्राप्त आपके पुत्र रावण के लिए आपका आशीर्वाद कोई अर्थ नहीं रखता। फिर भी आप मेरे पिता हैं, इस नाते मैं आपका आशीर्वाद स्वीकार करता हूं। यह तुम्हारी अनुकंपा है लंकेश, तुमने अपने पिता का दिया हुआ कुछ तो स्वीकार किया। पिताश्री, वर्षों से इस उजाड़ आश्रम में रहते रहते आपका मन नहीं हुआ अभी तक? जिसे धर्म में आस्था होती है, हवन यज्ञ में श्रद्धा होती है, उसका मन कहीं भी नहीं उगता। रावण, यह हवन कौन मेरी सारी उदासी हर लेता। बहुत हो गया है ये यज्ञ हवन, और धर्म भी आपने जीवन में बहुत कर लिया है। छोड़िए ये सब और मेरे साथ लंका चलिए, वहां राक्षस राज रावण के पिता का सुख भोगिए। नहीं रावण, नहीं, ये संभव नहीं है। प्राणों के रहते मैं अपने आश्रम का त्याग नहीं करूंगा। मैं स्वर्णपुरी लंका का शासक हूं, मेरे बल का लोहा आज सारा आर्यवर्त मान चुका है। आप मेरे पिता हैं, इसलिए मैं आपको आदेश तो नहीं दूंगा, परंतु अपने अनुरोध से आपको विवश कर दूंगा। आपको मेरे साथ लंकापुरी अवश्य चलना होगा। राक्षस राज रावण का पिता साधारण उजाड़ आश्रम में अकेला हवन झोंकता रहे, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। तुम ब्राह्मण पुत्र हो रावण, ऋषि पुत्र, यज्ञ के विषय में ऐसे शब्द प्रयोग करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जीवन भर इस हवन कुंड में समिधा स्वाह करते हुए आपको क्या प्राप्त हुआ था? सिवा निराशा विफलता के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। महान सप्तऋषियों में पुलस्त ऋषि की संतान होते हुए भी आप अकिंचन निर्धन बने हुए हैं। यह अकिंचनता और निर्धनता मैंने जानबूझकर अपनाई है पुत्र। राज्य वैभव की चाह न मुझे पहले थी ना भय, राज्य और वैभव की लालसा तो साधारण मनुष्य को भी राक्षस बना देती है। बस बस बस, बहुत सुन चुका मैं तात। आप सब कुछ कह सकते हैं तात, परंतु हम राक्षसों को आप शब्द नहीं कह सकते। मैंने एक राक्षस पुत्र की कोख से जन्म लिया है। मैं विश्व विजयी होने की कामना लेकर आगे बढ़ रहा हूं। आज मानव और देवता दोनों मुझसे थर थर कांपते हैं तात। मुझे अपने राक्षस होने पर गर्व है। तुम्हें गर्व होगा राक्षस होने पर रावण, लेकिन मैं तुम्हारे अभियान में सम्मिलित होकर लंका नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए मुझे क्षमा करो और मुझे अपने नित नियम को पूरा करने दो। शक्तिशाली रावण के अनुरोध को अस्वीकार करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया था श्री। मैं आपके मुंह से अस्वीकार की भाषा सुनने नहीं आया हूं। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा। मैंने माता केक्षी को वचन दिया है कि मैं आपको लंकापुरी लेकर ही जाऊंगा। यह संभव है रावण, यह कदापि नहीं हो सकता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो कुबेर। रावण, क्या लंकापति बनते ही तुम अपने पितृग्रह के सारे संस्कार भूल गए? अपने बड़े भ्राता को प्रणाम करने का विवेक भी तुम्हें नहीं रहा? कायर और हारे हुए को रावण कभी प्रणाम नहीं करता था, चाहे वो उसका सौतेला बड़ा भाई कुबेर ही क्यों ना हो। तुम भले ही मुझे प्रणाम करो या ना करो, परंतु अपने बड़े भाई से सदैव ही आशीर्वाद पाओगे।
और ये कायर और हारा हुआ तुम किसे कह रहे हो रावण? मुझे? मैंने उदारता पूर्वक सोने की लंका तुम्हें दान में दी है रावण, इसीलिए मैं कायर और हारा हुआ हो गया। निसंदेह यदि तुम्हारे स्थान पर रावण होता तो कभी लंका पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ता। यही अंतर है तुम में और कुबेर में रावण, और यह अंतर यक्षों और राक्षसों के बीच का अंतर है। तुमने सत्य ही कहा है, तुमसे विवेक की आशा करना अपने आप को धोखा देना है। राक्षस राज रावण, अभी अभी जिन शब्दों से तुमने मुझे अलंकृत किया तुम जानते हो वो सत्य नहीं है। परंतु क्या वो सत्य पिताश्री को तुमने बताया कि तुम युद्ध में पराजित और कायर राक्षस हो? क्या कह रहे हो कुबेर? रावण को हराने का साहस किसने किया? क्या तुम सत्य कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं पिताश्री। आपका पुत्र असत्य कहने से पहले मृत्यु का वरण करेगा। रावण, क्या यह सत्य नहीं कि वानर राज बाली ने तुम्हें कांख में दबाकर तुम्हारा गर्भहरण किया है? क्या यह भी सत्य नहीं कि वानर राज बाली से भय खाकर तुमने उससे मित्रता कर ली है और वानरों पर कभी भी आक्रमण न करने का वचन दिया है? चुप रहो, अपनी सत्यवादिता का ढोंग मत रचो मेरे सामने। समय आने पर मैं इस कुटिलता का उचित दंड दूंगा तुम्हें। तुम जैसे अभिमानी राक्षस से और आशा भी क्या की जा सकती है रावण? मैं जानता हूं तुम दूसरे का उत्कर्ष देख ही नहीं सकते। मैंने कैलाश के पास अलकापुरी में यक्षों के नए साम्राज्य की स्थापना कर ली। तुमने यक्षों के नए राज्य की स्थापना की? यह समाचार सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ पुत्र। यह सब आपके आशीर्वाद और भगवान शिव की इच्छा से ही संपन्न हुआ है पिताश्री। मैं आपको अलकापुरी ले जाने के लिए ही यहां आया हूं। मुझे खेद है पुत्रो, मैं तुम दोनों में से किसी का भी अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने पूज्य पिता पुलस्त्य ऋषि का आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आपने मेरा बहुत सा समय व्यर्थ नष्ट किया है दास। जब आप अपना हट छोड़ना ही नहीं चाहते तो फिर इसमें क्या ही किया जा सकता है? इस सुनसान आश्रम का उदास वातावरण जब आपको इतना प्रिय है तो भला आपके भाग्य में सुख की कल्पना कौन कर सकता है? मैं जा रहा हूं। रावण, जाने से पहले मैं तुम्हें एक परामर्श देना आवश्यक समझता हूं। अपने बड़े भाई कुबेर से बैर छोड़ दो, उसकी उदारता को कायरता ना समझो। असंभव। राक्षस राज रावण को परामर्श देने का अधिकार किसी को नहीं है, आपको भी नहीं पिताश्री। राक्षस राज रावण की जय। राक्षस राज रावण की जय। राक्षस राज रावण की जय। आप बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा प्रभु। फिर कब बुलाएंगे प्रभु? हम नहीं जानते, पर हम मिलेंगे अवश्य। भैया, आप यहाँ अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं? हाँ, तुमने कुछ कहा लक्ष्मण? आप गुमसुम क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं, तुम ही बताओ। जब से तुमने वानर वाले मदारी का खेल देखा है तब से तुम सोच में खो गए हो। हाँ भरत, मैं हनुमान के बारे में ही सोच रहा था। हनुमान? कौन हनुमान?